कितना आसान होने जा रहा है। नहीं आ रहा है हृदय कलिका मस्त सौरभ छा रहा है, पतझड़ पीछे छूट गया है, वसंत देखो आ रहा है, वसंत देखो आ रहा है। कल वसंत पंचमी है लेकिन बरेली शहर के बाशिंदों की बसंत पंचमी तो आज है। फिर एक बार ताली कुछ ही पलों में आपके पास होगा, चहल कदमी कीजिएगा, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉलिंग, बाइक दौड़ाइएगा लेकिन बहुत तेज रफ्तार से नहीं, बिकॉज इट इज अंडर ट्रायल। तब तक कोई जोखिम ना उठाए, तेज रफ्तार से बाइक ना दौड़ाए, और सबसे बड़ी बात मेरी महिला साथी जितने इधर है खासतौर पर बरेली कॉलेज तक अड्डों में कि वो लोग जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हुए थे और जिन्होंने निर्धारित समय से बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, उन सभी को जाता है। आइए बगैर शुभारंभ यात्रा यानी कि उद्घाटन सत्र जब हम स्वागत करने जा रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन, ये जो पुल है, ये जो बरेली दो भागों में बटा हुआ था, आज वो बरेली एक होने जा रहा है दोस्तों, एक होने जा रहा है। और बड़े समय से इसका इंतजार था, जब ये पुल बनना नहीं शुरू हुआ था तो यहां घंटों जाम में गुजरा करते थे और ऐसी स्थिति होती थी कि अगर कभी इमरजेंसी में जल्दी भी पहुंचना हो तो जल्दी का मतलब भी करीब एक घंटा होता था। लेकिन अब ये दूरी 5 मिनट में आप पूरी कर लेंगे तो बरेली जो दो भागों में बटा हुआ था वो एक हो जाएगा। और इससे एक प्रेरणा भी लेनी है दोस्तों, इससे एक प्रेरणा लेनी है कि जो लोग मजहब और जाति के नाम पर हम लोगों को बांटते हैं या बांटने का प्रयास करते हैं, हम इस पुल से प्रेरणा लें कि हम सब भी एक होकर रहें। क्योंकि पुल पे पूरा बरेली गुजरेगा, पूरा बरेली गुजरेगा और ये पूरे बरेली के जबरदस्त फायदे के लिए है। और मैं खास तौर से सेतु निगम को बधाई देना चाहता हूं, उनके सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो 18 माह में पूरा होना था उन्होंने अथक मेहनत करके इसे 15 माह में बरेली की जनता को समर्पित करने के लिए बना दिया दोस्तों। तो सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और आपका सबका धन्यवाद कि इस ऐतिहासिक क्षण में आप लोग सभी इस ऐतिहासिक क्षण में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जय हिंद। खाली कुर्सी से कुर्सी का बदलाव नहीं था, वो परिवर्तन काम का और व्यवस्था का एक दुरुस्त करना और उसको सही रास्ते पर ले जाने की बात थी। और जनता की अपेक्षा पर हम लोग खरा उतरे हैं, ये हम सब लोगों की चिंता और रुचि का विषय है। जय लोग हमसे कहते हैं कि आप लोगों की सरकार के बाद में सिंथेटिक्स बंद होगी, तो पहला काम तो ये करा है कि सिंथेटिक्स के कर्मचारियों का जितना पूर्व भुगतान था वो सब मिल जाए, वो मिलने की शुरुआत हो गई है, अभी अखबार के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा। और अब दूसरा काम यह है कि सिंथेटिक्स की ज़मीन पर एक उपयुक्त उद्योग धंधा लगे और उद्योग धंधे के लिए मजबूत सरकार, जवाबदेह सरकार और ऐसी सरकार जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। तो इन विषयों पर कुछ ज़्यादा हम बोलने के लिए आपके बीच में नहीं है, पर इन सब के लिए प्रारंभिक इंफ्रास्ट्रक्चर बरेली में सही रहे उसको आप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई कमी ना आए ये हम सबकी चिंता है। तो मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपको जो भी बात नज़र आती हो हमें लगता है कि उसके लिए आपको हमको बार बार कहना नहीं पड़ेगा, एक बार अगर लिख कर देंगे हमको बताएंगे तो हम उसकी शुरुआत कर देंगे। मैं अभी इस मार्ग के बारे में और अभी जैसा स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही थी, हम लंबे समय से इस ओर लिख रहे थे, तो बीते समय में भी 2013-14 में भी तत्कालीन प्रदेश और केंद्र की सरकार को जो पत्र लिखे थे मुझे मिल गए, मैं उनके बारे में चर्चा करने यहाँ पर नहीं हूँ, पर ये हमारी जिम्मेदारी का विषय है कि कैसे हम इन कामों को एक सही रूप देकर आगे लाने का काम कर सके, इस हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मित्रों इस जवाबदेही के साथ काम करें। और अभी इस नए मंत्रालय में आने के बाद हमने जब जानकारी की तो हमें पता चला कि सीबीगंज में हमारे मंत्रालय के पास जगह भी है
और वहां पर एक प्रस्तावित अस्पताल भी है। तो तत्काल हमने इस बात को व्यवस्था में लाने का काम किया कि इस समय जो 30 बेडेड अस्पताल है उसको तुरंत शुरू किया जाए और उसको कैसे 100 बेडेड कराया जाए, इस बात की हम लोग चिंता कर रहे हैं और अगले महीने में इसकी शुरुआत भी हम करवा देंगे। हम आपको इतना बताना चाहते हैं, बातें नजर आती हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि लाल फाटक, ये बात सही है और इस बारे में लगातार हम लोग चर्चा और बात भी कर रहे हैं कि कैसे इसको गति देकर काम की शुरुआत की जाए। पर कभी कभी सेना हम लोगों के चाहने के बाद भी विपरीत राय दे देती है, तो उस दिशा में हम लोग प्रयास रहते हैं और आपको शिकायत का मौका ना मिले उसमें, ये हमारी चिंता का विषय है। तो मैं इन सारी बातों को समझ रहा हूँ और इसका एक जल्दी ही आपको असर दिखाई देगा कि काम की शुरुआत हो गई है। तो मैं आज यहाँ पर इस शुभारंभ के अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर आप सभी को एक बधाई देते हुए कि हम वास्तव में एक बरेली की गति, जैसा कि मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जब स्मार्ट सिटी की बात आ रही है तो आप जो भी सुझाव आपको नजर आता हो स्मार्ट सिटी के संदर्भ में अगर हम लोगों को देंगे तो हम उसको एक सही स्वरूप में लाने का काम करेंगे और आपको लगेगा कि वास्तव में स्मार्ट सिटी के बारे में हम सब लोग मिलकर एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। हार्दिक ने बोल, मैं 1996 से 93 में विधायक बना, या मेरे अनेक पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, उनके बीच में यदा कदा मैंने जो है वो चर्चा की। भाई गुलशन जी भी हाँ कर रहे हैं, अच्छा है, सर्टिफिकेशन हो गया। 1996 से इस पुल को कैसे बनाया जा सकता है, ये चिंता मेरे मन में थी। मेरे मन में चिंता थी कि बरेली का बढ़ता हुआ जनसंख्या का भार कैसे संजय नगर बाईपास, कैसे डेलापीर का बाईपास, कितने प्रयास करने के बाद मैंने इसको जो है वो पूरा करवाया। शायद अब मैं कल्पना करता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा लगेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन उसको भी सोचकर ये सोचा करता था कि अगर ये डेलापीर का 100 फुटा बाईपास, संजय नगर का बाईपास ना बनाया होता तो आज बरेली कट गई होती। और वही स्थिति इसकी थी, अभी शुभ लक्षण तो नहीं था, कुछ लोगों के मैं कहूंगा शुभकामनाएं रही होंगी, उन्होंने तो सोच के अच्छा किया, लेकिन बरेली के अंदर कर्फ्यू लगा था और कर्फ्यू में मैंने अपने ये जो पत्रकार बंधुओं के साथ कैमरामैन आप देख रहे हैं इनसे कह दिया कि इस समय सिर्फ सड़क के ऊपर कुत्ता और बिल्ली दिखाई देता है, आदमी नहीं, रश नहीं, इसकी कैसे अलाइनमेंट निकाला जा सकता है, जरा मुझको डिफरेंट एंगल्स के फोटोग्राफ्स चाहिए। मैं बता रहा हूं कि कब से इस पुल का प्रयास हुआ और इसलिए बताना बहुत आवश्यक है कि जनहित के कार्यों में किस तरह व्यवधान आते हैं, ये भी उस नागरिकों को समझना चाहिए। दिया गया तो उस समय सपा की सरकार थी, या उसमें तत्कालीन मेयर थे डॉक्टर तोमर, मैंने उनको बुला के कहा, मैंने कहा कि भाई इसको अगर कुछ आगे बढ़ाया जा सकता हो तो बढ़ाओ, उनका मैं देखता हूँ। वैसे बात आगे बढ़ी और फिर बाद में लिखित आ गया कि नहीं, ये पुल जो है वो बनाने के लिए इसका अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है। मैं शेयर कर रहा हूँ, मनोभूषण इंटर कॉलेज सामने कौन है डॉक्टर, मैंने उनको पकड़ा, उनको रिक्वेस्ट की और फिर जाकर वहां पर प्रयास किया। भाई शिवपाल जी उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनको तैयार किया और एक अच्छा काम जो है वो आगे प्रगति के ऊपर बढ़ा। ये सचमुच में कैसा ही हो, किसी के द्वारा हो, लेकिन बरेली के लिए निश्चित रूप से ये पुल दो कोनों को जोड़ने के लिए जो है, जैसा अभी मेयर साहब ने कहा
ये कोई धर्म की बात नहीं, लेकिन ये दो कोनों को जोड़ने का जो एक प्रयास हुआ वो सबके प्रयास से है, इसलिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ ये संपन्न हुआ। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी इसलिए है, इस पुल के ऊपर बराबर में कई दुर्घटना थोड़े दिनों हम भी रखवाले रहे। मुझे याद आ रहा है नए दौर में भी किसी प्रकार का, जहाँ एक बार समय से पूर्व इसको पूरा किया गया, ये डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है, शुभकामनाएं भी देंगे और समय पर उसका इस पुल को रुकने नहीं दिया।
दक्षिण से उत्तर माइक नीचे कर लो, मुंह पे मत लगाओ यार माइक। बरेली क्षेत्र मेरा जो था बटा हुआ था उसको जोड़ने की लाइफलाइन है। इससे पूर्व भी वो लाइफलाइन संजय नगर बाईपास और डेलापीत बाईपास के बीच में आ चुकी है। कम समय में एक अच्छा प्रयास और वो आज बरेली की जनता के लिए जो है वो सार्वजनिक रूप से खोला गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय उप मुख्यमंत्री PWD के रूप में माननीय मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कम से कम आप और बाकी अन्य